जयपुर आर्किटेक्चर फेस्ट में आज मुलाकात कर रहे हैं मुकुल गोयल, जो इस फेस्ट के ऑर्गेनाइजर हैं। जी मुकुल जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। हाँ जी, क्या ये फेस्ट है, किस तरह का ये फेस्टिवल रहेगा, जो ये आपका प्रोग्राम है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स को, कौन कौन लोग पर्सनलिटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या स्पीकर्स हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल यहाँ पर स्टोन मार्ट एग्जिबिशन का एक अहम हिस्सा है। इसका मकसद ये है कि स्टोन मार्ट एग्जिबिशन में कुछ आपका एकेडमिक काम भी हो, तो इस वजह से सी डॉस ने हमसे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स से रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारा यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करें। तो इस तहत में हम लोग ये कॉन्फ्रेंस दो दिन का ऑर्गेनाइज करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में हम अधिकतर स्पीकर्स बाहर से बुलाते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि बाहर के देशों में आर्किटेक्चर के संबंध में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, नए नए क्या क्या तरीके और इनोवेशन क्या क्या आ रहे हैं। प्लस ये और फ़ायदा होता है कि जैसे ये बाहर से आते तो इनको हमारा भी काम देखने को मिलता है, हमारे पत्थर देखने को मिलते हैं, किस तरह से अप्लाई होते हैं ये पत्थर वो देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी वो कॉन्फ्रेंस हो जाता है, और इसमें कॉन्फ्रेंस में अधिकतर 300 से 400 आर्किटेक्ट आते हैं और करीब 600 स्टूडेंट आ जाते हैं। तो इससे सबको बहुत अच्छा एक ज्ञानवर्धन का प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो अभी जैसे ये सेशन हमारे, ये कॉन्फ्रेंस है, ये दो दिन का है जी। तो आज से शुरुआत हुई है और आज हमारे दो सेशन हुए हैं जिसमें 8 स्पीकर ने अपना वो दिया है, व्याख्यान किया है, और कल 2 और सेशन होंगे जिसमें 8 और स्पीकर अपना आइडिया बताएंगे सबको। इसके अलावा हमने एक एग्जीबिशन भी किया है जिसमें राजस्थान के आर्किटेक्ट्स का काम दर्शाया गया है। तो उसमें ये लोगों को पता चल रहा है कि राजस्थान का पत्थर जहाँ से निकलता है, वहीं के आर्किटेक्ट किस तरह से उसको बिल्डिंग में यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ, बिल्डिंग में कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उसको एक प्रारूप दे रहे हैं। तो ये सिर्फ लोगों को नहीं, विजिटर्स को नहीं, ये यहाँ के जो स्टोन सप्लायर्स हैं उनको भी पता चलता है कि अच्छा हाँ, इस बिल्डिंग में ये स्टोन ऐसे इस्तेमाल हुआ है, तो वो उनको भी एक तरह का नॉलेज शेयरिंग। नई चीज़ निकल के आई, जैसे अब आर्किटेक्ट फेस्ट में क्या नया टेक्नोलॉजी आया, क्या नई चीज़ निकल के आई जिससे आप हमारे व्यूअर्स को नॉलेज दे सकें, शेयरिंग कर सकें। अब कुछ नया इस बार का जो थीम है जी, वो थीम है वोकैबुलरी ऑफ आर्किटेक्चर, स्टोन इन आर्किटेक्चर। ओके, तो वोकैबुलरी ऑफ स्टोन इन आर्किटेक्चर बेसिकली ये है कि स्टोन से कैसे बिल्डिंग प्रभावित होते हैं, बिल्डिंग डिज़ाइन कैसे प्रभावित होती है। एक तरीका ये होता है कि मैं पहले बिल्डिंग डिज़ाइन करता हूँ, फिर उसमें स्टोन लगा देता हूँ, फर्श पे लगा देता हूँ, दीवारों पे लगा देता हूँ, है ना। और एक तरीका यह है कि मैं स्टोन देखता हूँ और फिर मैं ये सोचता हूँ कि ये पत्थर बेस्ट, मैं इससे कैसे बिल्डिंग बनाऊंगा। तो ये एक नया तरीका है सोच का, कॉन्सेप्ट का, कॉन्सेप्ट कि मैं पत्थर देख के बिल्डिंग डिजाइन प्रोडक्ट के हिसाब से डिजाइन करूं, बेस्ट चीज निकल के आए, उस पत्थर के अनुसार निकल के आए। ये एक नई चीज है, हम लोग अलग किस्म के सोचते हैं जी। हमारा टेक्नोलॉजी इतना नहीं है जितना हम अपना दिमाग को किस तरह नए नए तरीके से इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइन करने में। तो हमें कुछ प्रेरणा रूप में चीज़ें चाहिए होती है, तो पत्थर एक बहुत बड़ा प्रेरणा सूत्र है, तो हम उस हिसाब से पत्थरों को भी अपने बिल्डिंग में इस्तेमाल। जो आपके स्पीकर्स हैं, अगर उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, मोस्ट कॉमन स्पीकर क्या क्या, मतलब कौन कौन हैं
इस फेस्ट में जो आए हैं तो... देखिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जैसे हमारे देश भर के आर्किटेक्ट एक एसोसिएशन में बंधे हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के नाम से, जी ऐसे ही हर देश का अपना इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स है, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, जापान हो, चाइना हो, इस तरह से हमारा जो एशियन रीजन है उसमें जो 21 कंट्रीज के इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने मिलके एक सिंगल बॉडी बनाई है आर्केशिया के नाम से, आर्केशिया के नाम से। तो जब भी कोई बहुत महत्वपूर्ण कारण कार्यक्रम किसी एक कंट्री में होता है तो आर्केशिया के जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, जो बहुत अच्छे लेवल का काम कर रहे हैं, वो लोग आते हैं और अपना बताते हैं, अपनी फिलॉसफी बताते हैं, अपना काम दिखाते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमने अधिकतर अपने आर्केशिया मित्रों को बुलाया है। तो जैसे मैं बताऊंगा कि हमारे स्पीकर आए हुए थाईलैंड से आए हुए हैं, कुआलालंपुर से आए हुए हैं, हमारे स्पीकर बांग्लादेश से आए हुए हैं, श्रीलंका से आए हुए हैं, अलग अलग कंट्री, अलग अलग कंट्री, एशियन कंट्री से आए हुए। क्यों? क्योंकि एशियन कंट्री ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा वातावरण, हमारा मौसम एक प्रकार का है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बहुत ही अच्छा यहाँ पे संवाद होता है, आपस में बातचीत होती है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, हम उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं। नॉलेज शेयरिंग हो जाता है, नॉलेज। अब वो क्या करेंगे, या पत्थर देखेंगे या समझेंगे कैसे पत्थर इस्तेमाल हुआ है, और फिर वो अपने देशों में जाके उसको अपने दोस्तों को बताएंगे, देखो हमने जयपुर जाके ये पत्थर देखा था। इससे फायदा किसको हो रहा है? सप्लायर को हो रहा है, जो स्टॉल लगा रहे हैं उनको हो रहा है, जो पूरा एग्जीबिशन है उनको हो रहा है। तो इस तरह से ये जो जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल है, ये पूरे अपना स्टोन एग्जीबिशन जो है, स्टोन मार्ट को एक बहुत बड़ा सपोर्ट देता है। आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी की अगर बात करना चाहें दो मिनट, कि ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब ग्रीन, आजकल ग्रीन बिल्डिंग्स आ रही है, तो एंड यूजर को पता नहीं है एक्चुअली ग्रीन है क्या, ग्रीन बिल्डिंग्स क्या है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, ग्रीन के साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे, कौन सा कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक्चुअली सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आप लोग बिल्कुल भी इन बड़े बड़े शब्दों में उलझना नहीं क्योंकि कई बार बेचारे स्टूडेंट्स भी मेरे पास आते हैं कि साहब ये क्या है, ये ग्रीन आर्किटेक्चर कोई बोलता है, कोई वर्नैकुलर आर्किटेक्चर बोलता है, है ना, कोई वो दूसरे प्रकार के शब्द इस्तेमाल करता है ना, फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम कहते हैं देखो हमारा सभ्यता इतना पुराना है, है ना, तो हमारे तो सबसे बड़े आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी थे। विश्वकर्मा जी ने कौन से सन में, मतलब 6000 साल पहले इंद्रप्रस्थ बना दिया था, टाउन प्लानिंग का एक अपने आप में एक वो नमूना था, आर्किटेक्चर हाँ बोल सकते। और इंद्रप्रस्थ मतलब आज तक दिल्ली के रूप में हम देख रहे हैं, आज तक हम देख रहे हैं, तो इतने 6000 साल तक एक जो शहर उस समय बना था वो आज भी है, आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है? क्या वो ग्रीन आर्किटेक्चर नहीं है, है ना, क्या वो वर्नैकुलर आर्किटेक्चर नहीं है? हम लोगों को अपने पुराने सभ्यता से सीखनी चाहिए। आज मोहेंजोदारो, हरप्पा, ये सब ऐसे चीजें हैं जो वेस्ट अमेरिका, यूरोप आके स्टडी कर रही है, हमको स्टडी कर रही है, हम उनको क्यों स्टडी करने लग गए? कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि ग्रीन आर्किटेक्चर नहीं, मैं बताता हूँ अब इसका, हाँ मैं आपको इसको बिल्कुल क्लियर करता हूँ। जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये ग्रीन आर्किटेक्चर अल्टीमेटली है क्या, ये ग्रीन बिल्डिंग है क्या? अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो हमारा तकनीक था पुराना वो ये था, मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि हम हवेलियाँ बनाते थे, हवेली की एक दीवार पत्थर की बनती थी और वो पत्थर की दीवार 2.5 फुट से कम नहीं होती थी, जी 2.5 से 3 फुट मोटी होती थी, क्योंकि हमें मालूम था कि दिन भर में जो गर्माहट होगी वो 3 फुट तक की दीवार रोक लेगी, और जब रात में वो गर्म हो जाएगा दीवार तो रात में हम दरवाजे खिड़कियां खोल लेंगे तो उस गर्माहट को वो
फैला देगी। इसलिए हम कभी कमरे में नहीं सोते थे, हम छत पे जाके सोते थे ताकि वो जो गर्माहट है ना वो हम पे असर नहीं करे। हम तो छत पे जाके सो जाएंगे पर वो रात भर में गर्माहट खत्म हो जाएगी। ये होता था ग्रीन आर्किटेक्चर। अब क्या हो गया कि हमने पतली पतली दीवारें बनाना चालू कर दिए ईंटों के। ईंटों की दीवार गर्माहट को रोक नहीं पाती, ठीक है। अब उस गर्माहट को रोक नहीं पाती तो हम क्या करते हैं, एयर कंडीशनर लगा देते हैं। तो एयर कंडीशनर क्या करता है, बिजली खपत करता है। अब बिजली खपत करता है तो नुकसान होता है एनवायरनमेंट को, नुकसान होता है, पोल्यूट होता है, क्योंकि वो ही एयर कंडीशनर का जो आउटडोर यूनिट है वो तो गर्म हवा फेंक रही है, वो तो ग्रीन हाउस गैसेस फेंक रही है एनवायरनमेंट में। तो वो जो एसी है अब हम उसको एक लीगल रूप दे देते हैं। लीगल रूप ये देके कि साहब मेरी एसी ना उस कंपनी से कम बिजली खपत करती है, इसलिए मेरा ग्रीन आर्किटेक्चर की उसमें शय में आता है, तो श्रेणी में आता है। तो अगर मेरा एसी कोई इस्तेमाल करेगा तो उसकी बिल्डिंग ग्रीन आर्किटेक्चर कहलाएगी, ठीक है। अब आप एक WC ले लो, फ्लश। पुराने टाइम में हम खेतों में जाते थे, कोई फ्लश नहीं कुछ नहीं, एक मक्का पानी लेके जाते थे वहीं खेतों में, फर्टिलाइजर का भी काम हो जाता था और हम अपन निपट के आ जाते थे। अब क्या है, हमने टॉयलेट बना दिए तो उसमें पानी भी फेंकना जरूरी है। पानी के लिए हमने पहले 10-10 लीटर के वो बनाए स्टोरेज टैंक, वो हम चेन से खींचते तो 10 लीटर एक साथ फ्लश आउट होता था। अब हम दिन में 10 बार जाते थे तो 100 लीटर हम इसमें फेंकते थे और वो पानी कहाँ, कहीं इधर उधर चला जाता था। अब क्या है कि कंपनियों ने वही चीज 6 लीटर और 4 लीटर में कर दिया है, 6 और 3 में कर दिया है। तो क्या है कि अगर आप वो सिस्टम लगाओगे तो आप ग्रीन आर्किटेक्चर के श्रेणी में आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं जी, या मैक्सिमम नेचुरल चीजों को यूटिलाइज करते हुए जो बिल्डिंग या कॉन्सेप्ट बनाया जाए उसको ग्रीन आर्किटेक्ट्स कहते हैं। बिल्कुल। अब मैं क्या है, मैं यहाँ पे राजस्थान में ईंट का एक मकान बनाता हूँ तो एक तो मैं यहाँ कानोता से लेता हूँ जो 25-30 किलोमीटर दूर से है ईंटें, और एक मैं कहता हूँ नहीं कानोता की ईंटें तो कच्ची हैं, मेरे को तो चंडीगढ़ से मंगानी है, तो मैं चंडीगढ़ से ईंटें मंगाता हूँ। अब चंडीगढ़ से ईंट मंगाने के लिए मुझे कितना पेट्रोल डीजल खर्च करना पड़ा, मल्टीप्लाई हो गया। तो जो भी सामग्री मैं जितना दूर से मंगाता हूँ उतना वो वेस्टेज खराब हो जाता है, खराब क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन, वो ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन कंटेंट में बढ़ा रहा हूँ एनवायरमेंट में जी। तो इस वजह से जो लोकली मटेरियल यूज करता है वो ग्रीन आर्किटेक्चर हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट से छोटे छोटे हर चीज को डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। आज मैं ये कारपेट देख रहा हूँ, अच्छा ये कारपेट जयपुर में बनाए या हैदराबाद में बनाए, अगर जयपुर में बनाए तो ये ग्रीन में आ जाएगा, अगर हैदराबाद में बनाए तो ये नहीं, साहब आपने हैदराबाद से मंगाने में कितना पेट्रोल डीजल एनवायरमेंट में फेंकवाया है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपने एनवायरमेंट में फेंका है। ऐसे कोई टेक्नोलॉजी, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट जो अभी 2021 का स्ट्रक्चर होगा या कॉन्सेप्ट होगा, जो आप नेक्स्ट सेंचुरी की बात करें क्या चीज़ें होंगी, क्या बिल्डिंग होगी, कुछ आप 2 मिनट में एक्सप्लेन करना चाहें तो। देखो बिल्डिंग में क्या होता है कि जो बिल्डिंग है वो किसी पदार्थ से बनता है, पुराने टाइम में लकड़ी और पत्थर से बनता था जी, धीमे धीमे कंक्रीट का आविष्कार हुआ तो कंक्रीट में बनने लग गया, कंक्रीट और ईंट इस्तेमाल होता है, लकड़ी नहीं इस्तेमाल होता ज्यादा। अब धीमे धीमे कंक्रीट को भी हम रिफाइन कर रहे हैं तो लाइट वेट कॉन्क्रीट बना रहे हैं जिसमें सीमेंट कम हो, हवा थोड़ा सा ज्यादा हो, इंसुलेटेड वॉल्स हो जाएं, तो कंक्रीट को हम नए सिरे से देख रहे हैं। फिर स्टील, लोहा, लोहे को हम नए सिरे से देख रहे हैं कि आज को अगर हम कंक्रीट के जगह लोहे को ज्यादा इस्तेमाल करें और जैसे उसमें फिर घास के बने हुए बोर्ड लगाएं, बीच में इंसुलेशन लगाएं, तो एक तो फास्ट हो जाता है काम, पाइप डालने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह के टेक्नोलॉजीज पे अभी वो चल रहा है, थोड़ा सा ये कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंटेशन बोल दूँ, वो चल रहा है, थर्मोकोल वाले दीवारों का एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, रेडी टू मूव वाली बिल्डिंग्स आ रही है, रेडी टू मूव फास्ट कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में आ रहे हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जो अभी एक
व्यवस्था है जो अभी चल रहा है जी जी जी, अभी वो नहीं डिस्टर्ब होगा, अगले 10 साल तक कहीं नहीं जाएगा। लेटर ऑन एक्सरसाइज, लेटर ऑन अगर ये सक्सेसफुल हो गए कुछ एक्सपेरिमेंट्स, तो शायद हम एक नए सिरे पे, नए स्टेज पे आगे बढ़ जाएंगे। जी जी जी। थैंक यू मुकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू एवरीबडी।